Hi, my name is Chef Ramachandra Ganeshan. You are watching Only My Health. The World Chocolate Day है on 7th of July. तो इसके लिए हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं डार्क चॉकलेट यूज करके. A dark chocolate is something is very energetic and very tasty. अपने dear loved ones, family members, अपने बच्चों को किसी को भी खिला सकते हैं and definitely it's going to be very tasty and very healthy. आज हम बनाना चाह रहे हैं नटी चॉकलेट with seeds and nuts. तो इसके लिए आपको चाहिए होगा बेसिकली द मेजर इंग्रेडिएंट द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट द डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट जो है 70 आई विल रेकमेंड टू यूज़ 70% डार्क चॉकलेट. इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट है. एक दिस इज एंटीऑक्सीडेंट है एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्थ बेनिफिट. लो शुगर और इसमें नेचुरल शुगर है. इट्स नॉट एडेड शुगर इन इट एक्चुअली एंड दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नटी चॉकलेट बार. और इसको बैलेंस रखने के लिए यू नीड कोको बटर. ये कोको बटर कुछ नहीं है, कोको सॉलिड और कोको लिकर का पार्ट होती है. दिस इज़ फैट विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कोको बीन. तो इसके बाद हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ मैपल सिरप. अब मैपल सिरप नहीं हो सकता तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं. ये तीन चीज़ होने के बाद दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है द चॉकलेट और मैपल सिरप ये बनाने के लिए इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी बनाने के लिए वी नीड आलमंड फ्लेक्स. उसके बाद नट्स और सीड बार हम ऐसे पहले बता रहे थे. इसमें पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड है और ये है हमारा चॉप नट्स. इसमें पिकॉन, आलमंड और वॉलनट है इसमें. देन थोड़ा और टेस्टी और थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रैनबेरीज रखी है. थोड़ा इसमें कलर हो जाती है अदरक से. थोड़ा सा टेस्ट और बैलेंस रखने के लिए अ पिंच ऑफ सॉल्ट. दिस इज समथिंग इज़ वेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट फॉर मी यूजिंग अ सॉल्ट इन अ चॉकलेट एंड हम यूज़ कर रहे हैं सी सॉल्ट इन इट. ये 70% डार्क चॉकलेट कवचर है. इसको आपको मेल्ट करनी पड़ेगी. इसको मेल्ट करने की टेम्परेचर है 28 डिग्री से 32 डिग्री. बेसिकली आपको गर्म करने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर आप 55 डिग्री तक जा सकते हैं. वन दिस इज मेल्टेड आपको लेना है कोको बटर. कोको बटर आपको आधा कप डाल दीजिए इसमें. देन वंस कोको बटर इज डन इसको हल्के सी मिक्स कर लीजिए. एंड दिस वंस दिस इज बीन कम्प्लीटली मिक्सड वेल आप 2 टेबलस्पून मैपल सिरप डालिए. क्योंकि डार्क चॉकलेट 70% कवचर है बहुत ही ज़्यादा बिटर होती है और इसमें शुगर नहीं होती है. टू बैलेंस इट वी ऐड मैपल सिरप. तो ये एक बार कंप्लीटली मिक्स होने के बाद आप इंश्योर कर दीजिए दिस इज बीन प्रॉपरली मिक्सड. अदरवाइज ये चॉकलेट जब मोल्ड करेंगे सेट करेंगे मोल्ड में डाल के उस टाइम पे थोड़ा सा बटर फैट वगैरह निकलने लग जाएगी. अभी हम इस चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लिया कोको बटर और मैपल सिरप के साथ. अभी हम ये चॉप्ड नट्स इसमें आधा कप ऐड करने वाले हैं. देन चिया सीड, नट्स, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड ये आधा कप इसमें ऐड करने वाले हैं. देन आधा कप इसमें आलमंड फ्लेक्स. फाइनली ये ड्राई क्रैनबेरी है. ये थोड़ा सा रिचनेस और कलरफुल के लिए ये थोड़ा ऐड करने वाले हैं. ये सारे ऐड करने के बाद आप अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा रोल ऑफ कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए इसको. वंस दिस इज बीन मिक्स्ड वेल अ पिंच ऑफ सॉल्ट थोड़ा सा ये स्वीटनेस कट ऑफ करने के लिए. जो सॉल्ट डालने के बाद आप थोड़ा इसको प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लीजिए. अच्छे से वंस मिक्स होने के बाद इसको हम इस मोल्ड में डाल के सेट करने वाले हैं. आप चाहिए तो आप छोटे मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द साइज. बट आई रेकमेंड आई यूज़ लाइक अ बार. मेरे को बहुत फेवरेट था, बहुत पसंद है, किड्स विल लव इट एक्चुअली. तो इसको हम अच्छे से एक मोल्ड ले लेंगे उसमें अच्छे से सेट कर देंगे. सो वी नीड टू पोर इन द मोल्ड. एनश्योर दैट कॉर्नर्स वगैरह आप प्रॉपरली इवनली स्प्रेड कर सकते हैं. ये लीजिए 1, 2, 3. ये सेट करने के बाद आप आपका छोटा सा नाइफ कोई भी स्पैचुला ले लीजिए या पैलेट नाइफ ले लीजिए. इसको स्प्रेड हल्के से ऐसे सारे कॉर्नर स्प्रेड कर दीजिए. एक तरफ से आपको वो एम प्रिंट हो जाएगी, दूसरी तरफ से आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करने के लिए तो मैं ऊपर से थोड़ा सा ये गार्निश करने वाला हूँ चॉप्ड नट्स
चॉप दिए, पिकॉन नट्स, वॉलनट्स, आप चाहे तो आपके घर पे जो भी नट्स है वो चॉप करके आप यूज़ कर सकते हैं। आई प्रेफर यूजिंग आलमंड, पिकॉन, वॉलनट। ऊपर से हल्के से गार्निशिंग कर लीजिए। जो सीड्स एंड ग्रेन्स है आप चाहे तो आपको जो घर पे जो अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड ये यूज़ करते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी सीड, वॉट एवर इज़ अवेलेबल, बट आई रिकमेंड इसको थोड़ा आप रोस्ट कर सकते हैं और टेस्ट बनाने के लिए। फाइनली नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट हमारा है आलमंड फ्लेक्स। ये भी आप रोस्ट करके यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा, बट ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है रोस्ट ही करके यूज़ करने का। नट्स चॉप करके, स्लाइस करके यूज़ करेंगे तो इट लुक नाइस। फाइनली ये थोड़ा सा ड्राइड कैनबरी, थोड़ा सा कलर आने के लिए। इसमें बहुत रिचनेस है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। मोल्ड को एक बार ऐसे हल्का सा टैप कर लीजिए सो दैट नीचे जो एयर बबल्स है वो थोड़ा आपको निकल जाएगा। ये हमने अभी सेट कर दिया इसको। आप चाहे तो इसको रूम टेम्परेचर में रख के भी सेट कर सकते हैं। आपको जल्दी चाहिए तो आपको फ्रिज में रख के आधा घंटा आप रख के आप आधा घंटे के अंदर निकाल के यू कैन सर्व विद योर किड्स। ये हमारा 70% डार्क चॉकलेट नट सीड बार प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो गया। ये आप अपना फैमिली मेम्बर्स को खिला सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, यू डोंट नीड टू स्टोर इन एनी रेफ्रिजरेटर। ये अपना रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं एंड इट हैज़ अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। इसमें ऐसे कोई सामान नहीं है जो ख़राब होने वाले इमीडिएटली। दिस यू कैन स्टोर इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एम्बिएंट टेम्परेचर में भी स्टोर कर सकते हैं। बट ध्यान रहिए ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रखिए, फ्रिज में रख सकते हैं बट प्रॉपरली एयर टाइट कवर होना चाहिए। इट्स हेल्दी एंड इट्स टेस्टी एंड यू आर ऑल गोइंग टू लव इट।